सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। पहला सूत्र, भगवान मिलेंगे कैसे? कितनी बढ़िया बात है, भगवान मिलेंगे कैसे? किसी ने प्रश्न किया, महाराज भगवान मिलेंगे कैसे? दिन में हम चार बार स्नान करेंगे तो भगवान मिलेंगे? कोई कंफर्म नहीं है, निश्चित नहीं है कि भगवान मिलेंगे। खूब चंदन तिलक लगाएं, खूब मालाएं गले में पहन लें, कंठी खूब धारण कर लें, भगवान मिलेंगे? कोई गारंटी नहीं है। पेड़ पे उल्टे लटक के भगवान को भजन करें तो भगवान मिलेंगे? कोई गारंटी नहीं है। 24 घंटा बिहारी जी के मंदिर में ही पड़े रहें, भगवान मिलेंगे? कोई गारंटी नहीं है। फिर भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान खुद ही कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं कि मुझे पाने के लिए केवल एक तरीका अपना लो। भगवान कैसे मिलते हैं? एक तरीका है, मन को निर्मल बना लो। नारायण, यदि मन आपका निर्मल हो गया, भगवान मिल गए। बोलो राधे राधे। मन में एक निर्मलता का भाव हो, छल कपट भगवान को पसंद नहीं है। आगे कुछ पीछे कुछ, ये कोई तरीका नहीं। आनंद तब है समभाव बन जाए, जैसे हैं वैसे बन के भगवान के सामने प्रस्तुत हो जाओ। अच्छा, भगवान से क्या छुपा है बताओ? हम कितनी भी छुपाने की कोशिश करें, क्या भगवान से छुपा सकते हैं? कई बार लोग कहते हैं हमको किसने देखा, हम कोई गलत काम करते हैं किसने देखा। अरे हम कह रहे हैं ना आपसे, भगवान से कोई नहीं छुपा है प्यारे। जहां आपकी पहुंच नहीं है वहां भगवान की पहुंच है। भगवान से कुछ नहीं छुपा है, इसलिए जैसे हो। लेकिन उसमें भी एक शर्त है, जैसे हो का मतलब क्या है? हर आदमी जानता है संसार में हम लोग रह रहे हैं तो निश्चित है कि मन में छल कपट काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य सब है। और किसके नहीं है? आपके भी है, हमारे भी है, सबके है। लेकिन भगवान कहते हैं भाई संसार में आए हो, विषयों से युक्त हो, कोई बात नहीं। विषयों से युक्त हो तो क्या हुआ, लेकिन मुक्त होने की कोशिश तो करो। अब मुक्त भी हम होना नहीं चाहते। अच्छा, जब भी किसी से सरलता में बात करो तो आदमी एक ही बात कहता, अरे महाराज क्या करें, अब दुनिया में आए हैं तो ये सारे विकार तो सताते ही हैं। आप कहते हो भजन करो, अब भजन होता ही नहीं है, पैसा कमाएं कि भजन करें, आप ही बताओ। किसने कहा कि आप पैसा ना कमाओ? बोलो, खूब कमाओ। लेकिन एक बात और कहूं, जीवन की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? हम परेशान क्यों रहते हैं? हम परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारी आशाएं समाप्त नहीं होती। भगवान ने आपको एक व्यवस्थित किया है कि इतने समय के लिए आप कमाइए और इसके बाद बिल्कुल घर से इस्तीफा दे दीजिए। आपने बहुत कर लिया, अब केवल भजन करो, अपने लिए कुछ करो, अपने लिए कुछ करो।